अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो। डियर व्यूअर्स, आज हम अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग की क्लास फिफ्थ पढ़ेंगे। क्लास फिफ्थ में स्लाइड 13 में कौन क्या पढ़ेंगे, लेनियर प्रोब, यानी इससे पहले हमने कैरोट प्रोब और सेक्टर प्रोब पढ़ा था, आज हम लेनियर प्रोब के बारे में पढ़ेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी, यानी इस प्रोब में कौन सी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है, हाई फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है। मेन यूटिलाइजेशन इज वास्कुलर सोनोग्राफी, प्रोसीजरल गाइडेंस आर एवलुएशन ऑफ सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। यानी इससे पहले मैंने लो फ्रिक्वेंसी में आपको एक्सप्लेन किया कि लो फ्रिक्वेंसी प्रोब हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डीप ऑर्गान्स हो, और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी की बात है तो हाई फ्रिक्वेंसी हम सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो है उसको एवलुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लीनियर प्रोब हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स अगर हम एग्जामिन करना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड पर, तो उसके लिए हम लीनियर प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे पिछले क्लास में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि हाई फ्रिक्वेंसी की रिजोल्यूशन जो है वो हाई होता है, लेकिन पेनेट्रेशन जो है इसकी कम होती है। वेव्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर व्हेन द प्रोब सरफेस इज फ्लैट लीनियर अरे ट्रांसड्यूसर। यानी लीनियर अरे ट्रांसड्यूसर यूजुअली हैव हाई फ्रिक्वेंसी 7-12 मेगाहर्ट्ज, लेस पेनेट्रेशन एंड एक्सेलेंट रिजोल्यूशंस। यानी इस प्रोब की जो वेव्स होती है ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है टू ईच अदर, यानी ये बिल्कुल सीधा बॉडी में जाती हैं, खासकर वहाँ उस सरफेसिस में जो प्लेट होती है। और इसके अलावा इसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है, हाई फ्रिक्वेंसी, ऑलरेडी ऊपर हमने एक्सप्लेन भी किया। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी हम कौन सी फ्रिक्वेंसी को कहते हैं, 7 से अबव जो फ्रिक्वेंसीज होती है उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और 2-6 जो फ्रिक्वेंसीज होती है 2-6 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को हम लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और 7 more than 7 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को हम हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि लेस पेनेट्रेशन, यानी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये डीप बॉडी में नहीं जाती, तो अगर कोई अर्गान डीप है तो उसके लिए फिर ये प्रोब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब है और इसकी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ज़्यादा डीप नहीं जा सकती बॉडी में। एंड एक्सेलेंट रिजोल्यूशन, इसकी एडवांटेज यही है कि इसकी रिजोल्यूशन जो है वो एक्सेलेंट होती है, यानी हम स्क्रीन पर जो पिक्चर बनाती है वो क्लियर होती है। तो अगर कोई सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स की एग्जामिनेशंस हो तो उसके लिए फिर हमें ये लीनियर प्रोब इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी रिजोल्यूशंस एक्सेलेंट होती है, तो अगर उसमें कोई पैथोलॉजी हो तो वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं एंडोकेविटी प्रोब। यानी अब क्या है एंडोकेविटी प्रोब में, क्या है स्मॉल कैरोट, ये स्मॉल कैरोट प्रोब होती है, मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है इसमें, ना तो लो होती है ना हाई होती है। मेन यूटिलाइजेशन इज एंडोवेजाइनल और इंट्रा ओरल सोनोग्राफी। यानी ये ट्रांसड्यूसर कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम इस टाइप फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं, या इसी एंडोकेविटी प्रोब को इस्तेमाल करते हैं, और इंट्रा ओरल सोनोग्राफी अगर या तो हम इंट्रा ओरल सोनोग्राफी करते हैं तो ऐसी प्रोसीजर्स में फिर हम एंडोकेविटी प्रोब इस्तेमाल करते हैं जिसमें मीडियम फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर की जो शेप्स हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है इस पिक्चर के ज़रिए, यानी ट्रांसड्यूसर और प्रोब पिक्चर्स। यहाँ पे ये लीनियर प्रोब है, लीनियर प्रोब की शेप यूँ होती है, यहाँ पे ये कर्वलीनियर प्रोब या करोट प्रोब, जिस तरह मैंने कहा कि ये कन्वेक्स होती है, इसलिए अगर कोस्टल रीजन्स हो तो वहाँ पे फिर इस प्रोब से स्कैनिंग थोड़ा मुश्किल होती है। और यहाँ पे ये फेस अरे प्रोब है जो हमने एक्सप्लेन किया कि इस प्रोब को हम इंटरकोस्टल रीजन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिब्स के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे ये फिट होती है, और उस इमेज पर फिर रिब्स की जो शेडो है वो नहीं बनती। अब आगे चलते हैं प्रोब वेव्स डायरेक्शंस। अब यहाँ पे जो प्रोब्स की या ट्रांसड्यूसर्स की जो वेव्स की डायरेक्शंस होती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यानी लीनियर प्रोब की वेव्स अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सीधा जाती है, और यहाँ पे करोट प्रोब की वेव्स जब आप देखें तो ये पेन की तरह स्प्रेड होती है, जब ये नीचे जाती है तो जितना ये नीचे जाती है तो वह उसी तरह ये स्प्रेड भी होती है, और इसी तरह ये फेज अरे प्रोब की जो वेव्स है ये भी अगर रिब्स के दरमियान से जब निकलती है तो ये भी बाद में क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो ये एनी प्रोब्स की जो वेव्स की डायरेक्शंस है इस पिक्चर के जरिए आपको एक्सप्लेन किया गया है।
यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो मेहरबानी करें हमारा चैनल क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर न्यू लेक्चर आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।